वेलकम स्टूडेंट, दिस इज योर हिस्ट्री क्लास, क्लास 7, चैप्टर 2, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट डिटेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस वेयर कंपोज्ड बाई लर्न ब्राह्मणस हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशस्तियाँ भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में से ब्यौरे होते हैं जो शब्दांश सत्य नहीं कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। Kings often rewarded Brahmins by grants of land. These were recorded on copper plate, which were given on those who received the land. राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पात्रों पर अभिलेखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। Usual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of a king who ruled over Kashmi. It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources including inscription, document, eyewitness accounts and earlier history to write this account. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज था। इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिला लेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न, वहाँ अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के बाद यह असाधारण ग्रंथ था। वारफेयर फॉर वेल्थ। यू मे हैव नोटिस डैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टी वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। ऑन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज बिकॉज देयर वेयर थ्री पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब्ड इट एज द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें से प्रत्येक शासन राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था जो वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से छाननीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। एज वेल एज वी विल सी, रूलर हु ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्स बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल, सो वेन दे अटैक्ट वन अदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल विच वे समटाइम एक्सट्रीमली रिच। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपने सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे।
One of the best known of such rulers is Sultan Muhammad of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 1997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. His target were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. अफगानिस्तान में गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से थे सबसे प्रसिद्ध थे। उसने 997 से 1023 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपल मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो, वी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन अनदर वीडियो। अगर आपको कोई संदेह है तो कृपया करके हमें बताइए, हम अगले वीडियो में आपके संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे।